क्यों पॉजिटिव हों, इकोनॉमिक क्या कर रहे हैं आप लोग? आई लाइक टू रिस्पॉन्ड टू अ कपल ऑफ पॉइंट्स जी. पहली तो एक बात जो उन्होंने कही, देखिए ब्यूरोक्रेसी, अगर खान साहब कह रहे हैं कि मसला है, हम एक चीज़ होती है वॉर फुटिंग पे चलना, एक होती है वॉर करना. हमने इस मुल्क को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है. चाहे बाजवा साहब की बात हो रही है, चाहे चेयरमैन FBR की बात हो रही है, चाहे पुलिस की, आपने लोगों को इंसेंटिवाइज करना है. आपने हर चीज़ प्यूनिटिव नहीं करनी, वरना फिर मुल्क तो गया जी. और अगर आपने गुनहगारों को पकड़ना है, वो विच हंट बदलने में दिस अ वेरी फाइन लाइन. अगर NAB ऑलरेडी PTI हमारी हुकूमत बदनाम है कि जी आप अपने फेवरेट्स की तो केसेस एक्सपेडाइट कर दिए और अपने लोगों के गो स्लो कर दिए. शुक्र है ये तो कोई एक्नॉलेज कर रहा है कि हमारे अपने लोग भी NAB में बुलाए जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ डिसीजन दे दिया. ऑल आई एम सेइंग इज़ जी के इस तरह नहीं होगा. नी जर्क रिएक्शन से ये मुल्क नहीं चलेगा. पहली बात, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे इन्वेस्टिगेशन है, चाहे फाइनेंशियल एलिगेशन है, हर चीज़ अपने वक्त से, अपने मौके से. और उससे होगी गुस्सा हम सबको है जी. मैं एक ऑर्डिनरी टैक्स पेयर हूँ. मैं अभी गवर्नमेंट में आई हूँ. पिछले 5 साल से जो मैं पाकिस्तान में काम कर रही थी, अगर मैं अपनी तनख्वाह और अपना टैक्स आपको बताऊँ, मेरे लिटरली हर महीने आग लगती थी कि ये मुझे सर्विस क्या मिल रही है इस टैक्स के बस. लेकिन देना था मुल्क का हक. दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि जी कप्तान साहब अगर नहीं मैनेज कर पा रहे हैं NAB के हवाले से कि जी उनकी तनख्वाहें कट रही हैं. मैं मानती हूँ कि रोड़े हर जगह आ रहे हैं, लेकिन उनका ये हल नहीं है कि हम लोगों को बुलडोज कर दें. हमने लोगों को साथ लेके चलना है. हमने लोगों को कन्विंस करना है कि पुराना तरीका गलत है. वॉट इज़ नया पाकिस्तान? तो आसमान से नहीं गुजर के हमारे हाथ पकड़ के चलेंगे ना. हम ही हैंड होल्ड करना है, इन्हीं लोगों को अपनी तरफ माइल करना है. आई डोंट वांट टू कम टू इस्लामिक ऑन दिस इशू. पैगंबर अलैहिस्सलाम जब आए, सारे पहले मुसलमान कौन थे? पाकिस्तान के लिए कॉन्ट्रडिक्शन रखी. हजरत उमर आए, हजरत खालिद बिन वलीद आए. हजरत मुझे बताएं UAE वगैरह में क्या हो रहा है? आप तो इसको डील कर रहे हो कॉमर्स वगैरह में. आर वी गेटिंग सम मनी? आई होप सो. I'm extremely optimistic. आपकी गवर्नमेंट इसमें बिलीव करती है कि जहां होप इज अ स्ट्रेटजी? नहीं नहीं, देखिए होप इज द बाय लाइन. ओके, हो ये रहा है जी कि IMF के साथ जो इनिशियल मुलाकात हुई है असद उमर साहब की इंडोनेशिया में, उसके बाद से शुरू में भी हमने ये कहा था, बीच में भी कह रहे थे, बट समहाउ इट गेट्स लॉस्ट इन ट्रांसलेशन. कुछ चीज़ें, बात यह है कि आपने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ना. IMF लीस्ट डिजायरेबल ऑफ ऑल ऑप्शन थी, बट ऑप्शन थी. कोशिश ये हो रही है कि हम इतना अपने आप को पुख्ता कर लें विद आर फाइनेंसिस फॉर एटलीस्ट एक साल के लिए कि हम जब नेगोशिएट करेंगे रिफॉर्म. IMF इज़ नॉट योर एनिमी. IMF इज़ एक ऐसा तरीका है जिसे हमें ज़बरदस्ती रिफॉर्म करनी पड़ेगी. और मैं तो बात ही नहीं करना चाह रही जी, मेरे जो इनसाइडर नॉलेज है कि इस मुल्क में कहाँ कहाँ आपका सबसे बड़ा ड्रेनेज हो रहा है, वो भी हम नेगोशिएट करेंगे. तो पॉजिटिव की जो आप जो बात कर रहे हैं ना, पॉजिटिविटी ये है कि फाइनेंशियल हालात सिर्फ हमारा मसला नहीं है, आपकी पूरी इकोनॉमी एज अ होल मसला है. 12 साल में आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं आती है. क्यों नहीं आती है जी? हम अपनी जो EDB वाली बोर्ड शुरू में बात कही थी, ये इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड पर, उसमें भी आते हैं. लेकिन मैं पूछना चाह रही हूँ कि जी अगर आप चाहेंगे कि 100 दिन में इस मुल्क को हिला दें, तो वो एक कॉस्मेटिक और बहुत शैलो सा हिलाना होगा. अच्छे तो हम बहुत लगे हैं मीडिया में. नो एक्सपेक्टिंग कि आपको टू पुल अप बनी आउट ऑफ नो 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 व्हाट आई एम सेइंग इज हम जो करेंगे ना, हम तो सिर्फ सेंस ऑफ डायरेक्शन की बात करें.